गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th एंड टुडे वी डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है? ये एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट एक ही होता है बट उसकी जो फॉर्म्स होती है वो डिफरेंट होती है, उसी को बोलते हैं हम एलोट्रोप्स। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स है उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। सो एलोट्रोप्स आर द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स बेसिक एलिमेंट तो वही होगा बट उसकी स्ट्रक्चर उसका मॉडिफाई होके अलग होके चेंज होके डिफरेंट हमें नजर आएगा बट जो बेसिक एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मींस फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, देखने में कैसा है। जैसे हाइट, जैसे मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो मींस मेरी हाइट क्या है, ठीक है, समझ में आ रही बात, वो क्या है। मेरा स्किन कलर कैसा है वो क्या है, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रही है, क्या क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जो डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के, उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बट उनकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे दोनों क्या है, ये दोनों मार्कर हैं बट ये देखने में डिफरेंट है, इनकी कैप में डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों लिखने का ही काम करते हैं, दोनों राइटिंग काम करते हैं बट दोनों की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, देखने में अलग नजर आ रहे हैं। एक की हाइट कम है, एक की हाइट ज्यादा है, कैप में डिफरेंस है, तो फिजिकली ये डिफरेंट है बट दोनों का काम सेम है, क्या? रिटर्न। सिमिलरली यहां पर भी एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है, वो देखने में अलग होती है बट उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज वही होती है, उसको बोलते हैं हम एलोट्रोप्स। तो हमें यहां एलोट्रोप्स पढ़ने हैं कार्बन के, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जनरली होते हैं और वो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन्स। आई होप आप सबने डायमंड को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में या कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में जरूर देखा होगा और ग्रेफाइट को भी आपने देखा ही है, मैं बताऊंगा कहां पर आपने देखा है। सो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन्स ये तीनों ही देखने में डिफरेंट है बट तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या, कि तीनों के अंदर क्या है, कार्बन। और अगर तीनों के अंदर कार्बन है तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो इन तीनों एलोट्रोप्स, ये जो 3 एलोट्रोप्स है कार्बन के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो वन बाय वन हम उनमें से कुछ एक दो को डिस्कस करते हैं। जैसे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आपने देखा भी होगा, रिंग वगैरह हम इसकी बनाते हैं डायमंड की, तो काफी ब्लशिंग होता है, ये चमकदार होता है ना, इसमें से फ्लैश निकलती रहती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एक कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन जुड़े होते हैं, 1 कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन जुड़े होते हैं।
वन कार्बन अटैच फर्दर विद द फोर कार्बन एटम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होता है. सो एक कार्बन डायमंड के अंदर फर्दर फोर कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है. नेक्स्ट, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. जो डायमंड है वो नेचर में सबसे नेचुरली अक्रिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और इसी वजह से हम इसके कटर बनाते हैं, ड्रिलिंग मशीन बनाते हैं, जिससे हम कटिंग का काम करते हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं. आपने जनरली देखा भी होगा जो मिरर वगैरह की शॉप होती है, जो मिरर वगैरह का काम करते हैं, उनके पास एक कटर होता है, उस कटर में डायमंड होता है. तो डायमंड इतना हार्ड है कि वो मिरर, हार्ड से हार्ड मिरर को भी कट कर देता है, इतना ये हार्ड होता है. नेक्स्ट, ये इंसुलेटर होता है फॉर हीट एंड करंट के लिए. क्या होता है ये इंसुलेटर, और इंसुलेटर बड़ा कॉमन सा वर्ड है आप सबके लिए, आप समझते होंगे. इंसुलेटर का मतलब कि डायमंड में से ना तो करंट पास होता है और ना ही डायमंड में से हीट पास होती है. मींस डायमंड जो है वो हीट के लिए भी इंसुलेटर है और करंट के लिए भी इंसुलेटर है. नेक्स्ट, यूज टू मेक कटर्स एंड द ड्रिलिंग पर्पसेस. ये मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है इसलिए ड्रिलिंग और कटिंग के लिए यूज होता है. मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है. मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी डायमंड की. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट की. तो ग्रेफाइट आप सबने देखा होगा, एक तो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ना, वैसे इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. लेयर का मतलब ग्रेफाइट के अंदर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर होती है, समझ मेरे बात, तब बनता है ग्रेफाइट. और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम के साथ फर्दर थ्री कार्बन एटम जुड़े होते हैं. एक कार्बन एटम के साथ फर्दर कितने कार्बन ज्वाइंट होते हैं, थ्री कार्बन ज्वाइंट होते हैं, समझ में आ रही बात आपको, विद थ्री कार्बन एटम्स, एक कार्बन के साथ थ्री कार्बन एटम. डायमंड में कितने थे एक कार्बन के साथ फर्दर, फोर कार्बन एटम, और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम के साथ फर्दर थ्री कार्बन एटम. नेक्स्ट, जो डायमंड था वो हार्ड था और ये काफी सॉफ्ट होता है, समझ में आ रही बात, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है. नेक्स्ट, ये इंसुलेटर था फॉर हीट एंड करंट, ये कंडक्टर है फॉर हीट एंड करंट, ये करंट के लिए और हीट के लिए कंडक्टर का काम करता है. मींस ग्रेफाइट में से करंट भी पास हो सकता है और ग्रेफाइट में से हीट भी पास हो सकती है. इसी वजह से जो है हमारा जो ये ग्रेफाइट है ये लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज होता है. लुब्रिकेंट्स इन मशीन, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनमें लुब्रिकेशन का काम करता है कौन, ग्रेफाइट. क्योंकि ग्रेफाइट की जो लेयर होती है ना, जो ग्रेफाइट की लेयर होती है, मैंने अभी बताया था ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो वो लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, जिसकी वजह से हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करते हैं. नेक्स्ट, अगर बात की जाए टू मेक पेंसिल, आप सबने पेंसिल तो यूज की होगी, ठीक है. तो पेंसिल का वो पार्ट, पेंसिल के अराउंड में तो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके बीच में जो पार्ट होता है ना जिससे हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट ही होती है, ठीक है. क्योंकि ग्रेफाइट आपने देखा भी होगा, ग्रेफाइट को अगर हम हाथ में रखेंगे तो हमारे हाथ पर ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, या हम उसको ग्रेफाइट को पेपर पर रखेंगे तो पेपर पर भी ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हम ग्रेफाइट से पेंसिल भी बनाते हैं. और अगर आपने देखा हो जो सेल वगैरह होते हैं, रेडियो वगैरह में जो सेल डलते हैं, अगर आप सेल को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर से आपको एक चौक जैसी रोड निकलेगी, वो रोड भी किसकी बनती है, ग्रेफाइट की. तो मीन टू से ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट में से करंट भी पास हो सकता है और ग्रेफाइट में से हीट भी पास हो सकती है. लेयर स्ट्रक्चर था, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है इसमें, क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है. ये पॉइंट आप याद करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मींस जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी इसमें वीक होती है एज कंपेयर टू डायमंड. नेक्स्ट आता है फुल रिंग्स, ये वर्ड शायद आपने ना सुना हो, फुल रिंग्स, ठीक है. तो फुल रिंग्स जो है इसका फुल नेम बकमिंस्टर फुल रिंग्स होता है, बकमिंस्टर फुल रिंग. और फर्स्ट टाइम 1985 में C60 कार्बन के 60 एटम से मिलाकर एक मॉलिक्यूल तैयार किया था जिसको फुलरीन नाम दिया गया था. कई सारे केमिस्ट ने मिलकर ये बनाया था, उनके नाम यहां पर मेंशन है, आपको नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर फुलरीन से टॉपिक आता है तो ओनली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा. ये रिचर्ड स्मैले, रॉबर्ट कर्ट,
सीन ओब्रायन और हॉरल्ड कोटो ने मिलकर तैयार किया था। कौन? C60 नाम का फुलरेन। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे फुटबॉल होती है ना हमारी फुटबॉल, वैसा सा ही इसका मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और यूएस के एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने वहां पर काफी सारे डोम बना रखे थे, ठीक है, जियोडेसिक डोम बना रखे थे उन्होंने। इसको सही से लिख देते हैं, जियोडेसिक डोम्स बना रखे थे। आप सबकी एनसीईआरटी में मेंशन भी होगा, जैसे ताजमहल के ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो चोटी है ना, गुंबद जिसको हम बोलते हैं, गुंबद गोल है ना, वैसा सा ये देखने में है C60, इसलिए इसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलरेन। समझ में? यूएस के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने वहां पर काफी डिजाइनिंग कर रखी थी, काफी घर वगैरह बना रखे थे, और उनका स्ट्रक्चर कैसा था? जियोडेसिक डोम्स जैसा था। और ये जो C60 मॉलिक्यूल था, इसकी शेप भी बिल्कुल वैसी ही थी, इस पे नाम रख दिया गया बकमिंस्टर फुलर। हालांकि अगर बात की जाइए एनसाइंट रॉक्स इन न्यूजीलैंड एंड रशिया, कुछ रशिया में और न्यूजीलैंड में कुछ काफी पुरानी पत्थर मिले थे, उनमें भी क्या पाया गया था? फुलरिंग्स। तो ये नेचुरली भी पाया गया था और ये मैन मेड भी है। सो ये थे हमारे 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिंग्स। जाते जाते क्या एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स होता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट हो बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आप समझो, देखो पेट्रोल में भी क्या है? कार्बन। डीजल में भी क्या है? कार्बन। चारकोल में भी क्या होता है? कार्बन। एलपीजी सिलेंडर जो आपके घरों में रखा है उसमें भी क्या है? कार्बन। तो सब में क्या है? कार्बन, बट फिजिकल अपीयरेंस सबकी क्या है? डिफरेंट। सो यही था एलोट्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।